तो लगातार 6 महीने नए शहर कोची में काम करने के बाद फाइनली मैंने ली छुट्टी और मैं निकल गई अपने घर की ओर। तो दोस्तों मैं बिलोंग करती हूँ सिटी ऑफ लव आगरा से। हाँ हाँ वही ताजमहल वाला आगरा। पर मैं इतनी दूर क्यों रहती हूँ ये मैं आपको किसी और दिन फुर्सत में बताऊंगी। तो घर से स्टेशन तक ऑटो ने हमें चार्ज किया 250 रुपए और मीटर के हिसाब से तो 170 भी नहीं बनते थे। मन किया लड़ूं पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और हर बार की तरह मैं भागते भागते स्टेशन पहुंची और जहां ट्रेन पहले से ही खड़ी हुई थी और मेरी टिकट भी आरएसी थी जो कि स्टेशन पहुंचने के कुछ टाइम पहले ही कंफर्म हुई। और ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सीट तो साइड अपर है। मेरा मूड तो वहीं ऑफ हो गया और उतने में ही बारिश होने लगी और ट्रेन भी चलने लगी। तो मैं तो नीचे वाली सीट पर बैठ गई और टेंशन में खाना स्टार्ट कर दिया और मैंने तो विंडो सीट ना छोड़ने का मन भी बना लिया था। फिर दूसरा स्टेशन भी निकल गया और सीट पर कोई भी नहीं आया तो मैं आराम से सो गई। अब ये सीट किसकी है ये तो अगली वीडियो में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं किसी और की सीट पर बैठी थी तो फिर वेट करते करते मैं सो गई और जब मैं जागी तो भी कोई नहीं आया। फिर मैंने टाइम पास के लिए लूडो खेलने का डिसाइड किया जिसमें मैं बहुत ही बुरी तरह हार गई और फिर जिनकी सीट थी वो भैया भी आ गए और वो थे हमारी इंडियन आर्मी के जवान जिन्होंने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए अपनी सीट मुझे दे दी और मेरी साइड पर उन्होंने ले ली। फिर शाम को मैंने IRCTC की थाली ऑर्डर करी जिसकी रोटियां रूमाल से भी पतली थी। फिर खाने के बाद मैंने थोड़ी सी बिमल खाई। बोलो जुबां केसरी। मजाक कर रही हूँ, ये बिमल नहीं है, ये क्या है अगर किसी को पता है तो कमेंट में बता। तो पूरा दिन ट्रेन में बैठने लेटने और भर पेट खाने के बाद मैंने डिसाइड किया स्टेशन पे वॉक करने का। तो वॉक करने के बाद मैं वापस ट्रेन में आ गई और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो सब सो चुके थे और मैं 2 बार उल्टी करके आई तो मैंने जो भी खाया था वो सब निकल गया। फिर मैंने फाइनली खीरा खाया और फिर मुझे अच्छा फील हुआ, मैं सो गई। आगे की जर्नी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों सफर का दूसरा दिन था, सुबह के 7 बज चुके थे और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी महाराष्ट्र के अडावली में जहां का मौसम बहुत ही मस्त हो रहा था और मुझे सुबह सुबह भूख भी लगने लगी। तो मैंने काटे प्याज टमाटर और फिर मैंने बनाई भेलपुरी जिसकी महक पूरे ट्रेन में फैल चुकी थी और सब मुझे देख रहे थे। पर मैं तो अपने मास्टर शेफ वाले अवतार में भेलपुरी बनाने में लगी थी। वैसे तो मैंने कई बार भेलपुरी खाई है पर ट्रेन में भेलपुरी बना के खाने में जो मजा आया ना वो कुछ अलग ही लेवल का था। इसके बाद मैंने देखी एक बढ़िया सी मूवी और इतने में ही मुझे फिर से भूख लगने लगी। तो मैंने स्टेशन पे देखा पर मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला। फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना पिज्जा ही ऑर्डर कर दिया जाए। फिर मैंने चेक किया कि पिज्जा कौन से स्टेशन पे अवेलेबल है। तो ये सब चेक करने के बाद मैंने फाइनली पिज्जा ऑर्डर कर दिया। तो हमारा पिज्जा आने वाला था नासिक रेलवे स्टेशन पे। तो वेट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था जिसकी एक्साइटमेंट में मैं स्टेशन आने से पहले ही डोर पे पहुंच गई और मैंने चलती हुई ट्रेन से पिज्जा वाले भैया को देखा पर उन्होंने मुझे नहीं देखा और वो आगे बढ़ गए। तो ट्रेन के रुकते ही मैंने उन्हें स्टेशन पे हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। तो काफी देर ढूंढने के बाद वो मुझे मिले और जैसे ही मैंने उन्हें अपना नाम बताया वो फिर से चले गए। तो शायद उन्होंने मेरा ऑर्डर किसी और को दे दिया जिसे वो लेने गए थे और फिर वो थोड़ी देर बाद फिर से आए और उन्होंने मुझे पिज्जा दिया जिसे देखकर मैं बहुत ही खुश हो गई। पिज्जा एकदम गर्म था थैंक्स टू डोमिनोज वाले भैया। फिर मैंने पिज्जा शेयर करके खाया, बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। तो आज का दिन तो काफी अच्छा था, अब मुझे इंतजार था कल का क्योंकि कल मुझसे कोई मिलने आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो लास्ट वीडियो में मैं जिसका इंतजार कर रही थी उससे मिलने का वक्त आ चुका था और पटरियां 2 से 4 होने लगे, मतलब समझ जाओ कि स्टेशन आने वाला है। तो मैं पहुंच गई ग्वालियर जंक्शन। तो इंतजार का वक्त खत्म हुआ और पूरे 6 महीने के बाद मैं मिली अपनी बहन से जिससे मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और हमने थोड़ी सी पप्पियां झप्पियां दी, फोटोज क्लिक किए, फिर मैं वापस आ गई अपनी ट्रेन में। तो मेरी बहन मेरे लिए ग्वालियर के फेमस पोहे और जलेबियां लेके आई और सच बताऊं तो ये बहुत ही टेस्टी थे। थैंक यू माय स्वीट सिस्टर। तो गाइस 3 दिन की लंबी ट्रेन जर्नी के बाद वक्त आ चुका था इस सफर को एंड करने का। तो मैंने अपना सामान पैक किया और मैं अपने स्टेशन आगरा कैंट पे उतर गई। तो ट्रेन जर्नी के एंड के बाद शुरुआत होती है बस जर्नी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों 3 दिन की लंबी ट्रेन जर्नी के बाद अब वक्त आ चुका था यूपी रोडवेज की सरकारी बस में ट्रेवल करने का। तो मुझे शाम को एक फैमिली वेडिंग अटेंड करनी थी जिसके लिए मैं ऑलरेडी लेट थी तो मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी। पर जैसे ही मैंने बस ड्राइवर को देखा मेरी टेंशन डबल हो गई क्योंकि हम सब यात्रियों की जान ड्राइवर साहब के हाथ में थी और उनके हाथ में थी बोलो सुबह केसरी। तो फिर मैंने सोचा लेट तो चलेगा पर सही सलामत पहुंच जाए वही बड़ी बात है। घर पहुंचते ही मैं रेडी हुई और सीधा पहुंची शादी में।
फोटोज और वीडियोस लिए फिर मैं मिली प्यारी दुल्हनिया से। तब तक वक्त हो चुका था दुल्हन की एंट्री का, तो फिर होती है हमारी प्यारी दुल्हन की एंट्री। तो वरमाला हो चुकी थी और हम सब नींद भगाने के लिए पी रहे थे गर्मा गर्म कॉफी। तो बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 5 बज गए। तो मैं अपना भारी सा लहंगा उठा के निकल गई घर की ओर, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। तो शादी अटेंड करने के बाद मैं निकल गई अपने घर की ओर। वहाँ पहुँचते ही मैंने सबसे पहले खाया अपना फेवरेट कॉम्बो, समोसा विद कोल्ड ड्रिंक। सच बताऊँ तो मजा ही आ गया। और फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और सारा दिन फैमिली के साथ स्पेंड किया। अगले ही दिन हम सब तैयार हुए, मम्मी को बाय बोला और निकल गए घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम गए इटावा के प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में। तो ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो हनुमान जी की जीवित मूर्ति है उसका मुख कभी नहीं भरता, और यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ मंगलवार और शनिवार को रहती है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल गए इटावा लाइन सफारी के लिए, जो एशिया की सबसे बड़ी सफारी है। तो हमने टिकट्स ली और एंट्री की लाइन सफारी में, जिसमें अंदर घुसते ही नज़ारे इतने अच्छे थे कि हम लोग फोटोज और वीडियोज में लग गए। इतने में ही वहाँ के एक स्टाफ ने हमें बताया कि सफारी के लिए आज की लास्ट बस 2-4 मिनट में ही निकलने वाली है। फिर क्या, हम सीधे भागे बस की ओर। तो आगे क्या हुआ उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो जंगल सफारी की बस पकड़ने के लिए हम लोग भागे और वहाँ पहुँच के पता चला कि बस तो ऑलरेडी निकल चुकी है। तो बस छूट जाने के गम को भुलाने के लिए हमने पिया ठंडा। तो फिर हम वहाँ से निकल गए, पर कहते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वहाँ हमारी बस छूटी और यहाँ हमें मोमोज का ठेला खुला मिल गया। आज मैं जी भर के मोमोज खाऊंगा, फ्राइड भी खाऊंगा, स्टीम भी खाऊंगा, सब खाऊंगा। तो घर पहुंचने के बाद हमने देखी एक मूवी और हम सो गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं निकल गई अपने खेतों की ओर। तो पीले पीले सरसों के खेत देख के मुझे तो एक ही सीन याद आता है। तो ये सीन रिक्रिएट करने के लिए मैं यहाँ वहाँ भागी। तो फिर मुझे समझ आया कि काजल को एक्चुअल सीन करने में कितनी दिक्कत आई होगी। तो इसके बाद मैंने कुछ फोटोज ली और खूब सारी मस्ती करी। तो अब वक्त हो गया था अपने शहर को छोड़ के वापस केरला निकलने का। तो मिलते हैं कल आगरा कैंट स्टेशन पे, तब तक के लिए बाय। तो फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद अब वक्त हो गया था वापस केरला जाके अपने काम पे लगने का। तो अर्ली मॉर्निंग मैं पहुंच गई आगरा कैंट स्टेशन। यार एक तो घर वालों को छोड़ के आने का दुख, ऊपर से ट्रेन 1 घंटे लेट, और इतनी पुरानी ट्रेन को देख के तो बिल्कुल ही मूड खराब हो गया। पर कोई ना, थोड़ा सह लेंगे। तो चंबल एरिया निकलने के बाद मुझे लगी भूख और मैंने खाया घर का बना हुआ स्वादिष्ट खाना, और उसके बाद मैं अपने घर पे बिताए हुए पलों को याद करते करते सो गई। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं जगी तो हमारी ट्रेन पहुँच चुकी थी आंध्रा के विजयवाड़ा में। तो इस स्टेशन पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ। तू जानता है कि मैं कहाँ से हूँ? विजयवाड़ा, दादागिरी की कोचिंग हम देते हैं। तो ये वो स्टेशन है जहाँ ट्रेन सबसे ज्यादा टाइम तक रुकती है। तो फिर मैं निकल गई ब्रेकफास्ट लेने के लिए। तो काफी देर ढूंढने के बाद मैंने लिए ब्रेकफास्ट में इडली और वड़ा। फिर मेरा मन किया कोल्ड ड्रिंक पीने का, और इतने में ही ट्रेन का हॉर्न बज गया। तो आगे की जर्नी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय। तो ट्रेन कृष्णा रिवर क्रॉस कर रही थी और मैं खा रही थी विजयवाड़ा से लिए हुए इडली और वड़ा। इतने में ही मौसम बदला और बारिश होने लगी, और बारिश के रुकते ही मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी हो गई और ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करने लगी। तो रास्ते में हमारी ट्रेन एक अनजान सी जगह पर रुकी जहाँ मैं ट्रेन से बाहर उतर गई। तो सुबह के 4 बजे थकी हारी मैं पहुँच गई अपनी डेस्टिनेशन कोची। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद फॉर वॉचिंग, बाई।